सितारगंज में निकाला गया 12 वफात का जुलूस। इस मौके पर क्षेत्र के समस्त मुस्लिम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए सितारगंज के मुख्य मार्गों से जुलूस निकाला गया। वहीं उपस्थित मोहम्मद आलम वाजिद अली ने बताया कि ये जुलूस हर वर्ष हम इसी तरीके से निकालते हैं, लेकिन बरसात की वजह से हम लोगों को बड़ी ही परेशानी हो रही है। और ये जुलूस जामा मस्जिद से निकलकर अमरिया रोड चौराहा होता हुआ जामा मस्जिद पर वापस आ जाता है। इस मौके पर हम लोगों को नाश्ते वगैरह की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। रात में कव्वालियों का भी प्रोग्राम हम लोगों के द्वारा किया जाता है, जो कि जामा मस्जिद के पास ही होता है। इस मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी सुरक्षा व्यवस्था में देखा गया। जिस तरफ जुलूस आ रहा था उस तरफ किसी भी वाहन को जाने से मना किया जा रहा था, ताकि कोई अप्रिय घटना घटित ना हो सके। आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन को हम मनाते हैं और उन्हीं की याद में हम आज जुलूस निकालते हैं। और आज बारिश के मौके पर भी हम लोग पूरे अपने दिल से इस जुलूस में आए हैं और इंशाल्लाह ऐसे ही हम लोग आते रहेंगे। और बारिश के कमी नहीं है और हमारे सहयोग में पूरा सितारगंज के मुसलमान और रामनगर भगोरी सिसैया नयगांव गोरीखेड़ा सभी क्षेत्रों के लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग ऐसे ही पूरे दिल के साथ अपने शांति से जुलूस को निकालेंगे। मोहम्मद विलादत का दिन है, आज कैराज का दिन है, जन्मदिन उसके उपराज में सबसे बड़ा त्यौहार हमारा यही मनाते ईद उल मिलाद नबी वासी।